नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इन दोनों ही चेहरों की हो रही है। वैसे 2019 पर आप ध्यान दें तो साल 2019 में हमने देखा था कि मोदी मैजिक इतना ज्यादा चला था कि लोगों ने आंख बंद करके कमल के निशान पर बटन दबाकर वोट दिया था। नतीजा ये रहा कि देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली और उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में अब लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इसी बीच क्या आप जानते हैं कि अब राहुल गांधी कितने ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं? अब जब बीजेपी की तमाम कोशिशें राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की विफल हो गई तो अब बीजेपी नए नए हथकंडे अपना रही है। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है। हालांकि ये नारा आपको याद होगा, कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि आपदा को अवसर में बदले, और राहुल गांधी ने नारा दिया था डरो मत। ये दो शब्द बहुत कुछ कह देते हैं, कैसे वो भी आपको बताएंगे। और राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी और शाह को उल्टे पैर दौड़ाया है ये भी समझाएंगे। अब राहुल गांधी वो पुराने कांग्रेस के नेता नहीं है जो किसी की भी बातों में आ जाए या फिर जिन्हें आसानी से ट्रोल किया जा सके। अगर आप अब गौर देंगे तो राहुल गांधी कितने एक्शन में हैं और उस एक्शन से 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कितनी बदली, ये सभी के सामने है। अब जनता भी जानती है कि उन्हें डरना नहीं है। 2019 के बाद पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर विपक्षी दलों के कई चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। राहुल गांधी कहते रहे कि डरिए मत, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी को अकेला कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अकेले चले और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जनता का प्यार बखूबी कमाया है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशें रही, पूरी बीजेपी की कोशिशें रही कि उन्हें गिराया जा सके, लेकिन वो डगमगाए तक नहीं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे के जरिए ही कैसे पूरी बीजेपी की बैंड बजानी है। प्रधानमंत्री ने कहा था आपदा को अवसर में बदलना है और राहुल गांधी ने ऐसा ही किया अपने नारे के जरिए कि आप डरिए मत, आप डरिए मत ईडी और सीबीआई से, आप डरिए मत तानाशाह सरकार से, आप डरिए मत कि आपको रोका जाएगा, आप डरिए मत कि प्रशासन का गलत उपयोग करके आपको पीटा जाएगा। आप डटकर खड़े रहिए और आप सत्ताधारी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलत नीतियों का विरोध कीजिए। ये राहुल गांधी ने सभी को सिखा दिया। एक बार फिर से राहुल गांधी ने अब ये साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें जनता जननायक कह रही है। दरअसल राहुल गांधी पर साल 2018 के प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में शाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था और इसके खिलाफ सुल्तानपुर में, यूपी के सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दायर करवाया था वही कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा और राहुल गांधी सीना ताने यहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जज के सामने इस बात को कहा कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने किसी भी गलत शब्द का उपयोग नहीं किया है, ये हमेशा कहते रहेंगे कि वो निर्दोष हैं। इसके बाद की आप तस्वीर देखिए, जब वो बाहर निकले तो कैसे उन्होंने आपदा को अवसर में बदला है। राहुल गांधी ने, खबरें हैं कि वहां से निकलकर राहुल गांधी ने आसपास जब वो दौरा कर रहे थे तो सामने ही एक मोची बैठता है, उस मोची के पास पहुंचे और वो जूता सिलाई कर रहा था, उससे बातचीत की, यहाँ तक कि उसे वहां से जूता सिलाई करता था तो उसे सिलाई की एक मशीन भी दी है। अपना वादा राहुल गांधी ने निभाया है और ये सुल्तानपुर की तस्वीर है जिसे देखकर विपक्षी भी हैरान है कि भैया यहाँ तो राहुल गांधी को जेल की सजा होनी चाहिए थी। अभी कईयों पचासों करीब उन पर मुकदमे चल रहे हैं मानहानि के, लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में से कहां है। वो उस मोची के पास पहुंचे और उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, हर जगह इन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से राहुल गांधी वहां मोची के साथ बैठे हैं, जूते सील रहे हैं और उन्हें देख भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अमूमन ये तस्वीरें नजर आती हैं जब भी राहुल गांधी कहीं और जाते हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीर देखकर इतना तो समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी को जननायक क्यों कहा जाता है
और एसी के कमरों में बैठकर सब कुछ देखने वालों को नहीं पता कि जो जनता का जननायक होता है वो सड़कों पर कैसे लोगों से मुलाकात कर उनके सुख दुख को समझता है और जनता भी खुलकर उन्हें अपने सुख दुख बताती है। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे आपदा को अवसर में बदलना, इसे राहुल गांधी ने कृतार्थ कर दिया और किस तरीके से किया ये आप भी देख सकते हैं। आप किस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।